एयर स्ट्राइक के जवाब की तैयारी का नाम सेना ने ऑपरेशन जाफरान रखा था। इस ऑपरेशन के लिए सेना ने बड़ी तैयारी की। योग दिवस पर राहुल गांधी के ट्वीट को अमित शाह ने बताया सेना का अपमान, राहुल पर लगाया नकारात्मक सियासत का। राहुल गांधी पर बीजेपी महासचिव राम माधव का निशाना, संसद में मोबाइल फोन देखने को बताया बचकानी हरकत, कहा काबू करना है तो योग जरूरी है। योग दिवस पर राहुल गांधी ने उड़ाया सेना का मजाक, सैनिकों और कुत्तों के जरिए योग की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा न्यू इंडिया। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में नहीं थम रही हिंसा, कल मारे गए दो लोगों की अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, भाटपारा में हिंसा का विरोध किया। बीजेपी का 3 सदस्यीय डेलीगेशन आज भाटपारा जाएगा, जिनमें एसएस अहलुवालिया, सत्यपाल सिंह और वीडी राम शामिल। लोकसभा चुनाव में टीएमसी की हार पर ममता बनर्जी ने समर्थकों से मांगी माफी, आसनसोल में जनसंपर्क यात्रा में लोगों से पूछा कि आखिर उनसे कहां हुई गलती। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज डिनर पार्टी, सभी देशों के उच्चायोग और दूतावास को न्योता दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिनर पार्टी का पाकिस्तान को भी भेजा गया निमंत्रण, उप उच्चायुक्त हो सकते हैं शामिल। G20 सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे पीएम मोदी, लगातार छठी बार शिरकत करेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु होंगे भारत के शेरपा। एनएसजी में भारत की एंट्री से चीन का इनकार, गैर एनपीटी सदस्य देशों की एंट्री पर कोई चर्चा नहीं। भारत की एंट्री पर आम राय बनाने के समय सीमा से भी चीन का इनकार, जिन देशों ने एनपीटी पर दस्तखत किए हैं उन्हें शामिल किया जा सकता है। यूपी के बुलंदशहर में बेटी पैदा होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक, पत्नी से मारपीट के बाद पति फरार। मेक इन इंडिया के तहत समुद्र में ताकत बढ़ाएगी नौसेना, करीब 45,000 करोड़ की लागत से बनेंगी 6 P-75I पनडुब्बियां, जारी किया गया कॉन्ट्रैक्ट। लोकसभा में हार के बाद कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी का गांव प्रवास अभियान शुरू, स्कूली बच्चों के साथ डिनर के बाद स्कूल में सोए। कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव पर पूर्व पीएम देवेगौड़ा का यूटर्न, कहा उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव की बात कही थी। पटना में रामविलास पासवान के नामांकन के दौरान मीडिया की भीड़ देखकर नाराज हुए नीतीश, मर्यादा में रहने की नसीहत दी, पत्रकार को बाहर निकाला। बिहार में चमकी बुखार पर पोस्टर पॉलिटिक्स, मुजफ्फरपुर में लगे लापता तेजस्वी यादव के पोस्टर, ढूंढ लाने पर 5100 रुपए नगद इनाम का ऐलान। AN-32 विमान हादसे में शहीद वायु सैनिकों का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, बलिया सोनीपत में शहीद वायु सैनिकों को अंतिम विदाई। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कर्मचारी से बंधवाए जूतों के फीते, शाहजहांपुर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने को गए थे, वायरल हुआ वीडियो। बीजेपी के सवाल उठाने पर दिल्ली सरकार ने कैंसिल की अभिभावकों की मीटिंग, कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा केजरीवाल और सिसोदिया के झूठ की पोल खुली। पीएम मोदी से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक में आने का निमंत्रण दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी, आदर्श आचार संहिता की समीक्षा की मांग। मेडिकल और डेंटल के पीजी कोर्स में मराठाओं को रिजर्वेशन का रास्ता हुआ साफ, विधान परिषद में संशोधन बिल पारित। शिवसेना ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, उद्धव ठाकरे के संपर्क प्रमुखों के साथ बैठक। एनसीपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू की तैयारी, शरद पवार ने पार्टी के अधिकारियों के संग बैठक की। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में आग से एक की मौत, आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के वडाला में 4 साल की बच्ची से रेप, बलात्कार के आरोप में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धुले में आंखों में मिर्ची डालकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, लूट के 3 लाख बरामद। पुणे में गर्भवती महिलाओं का फैशन शो, कार्यक्रम के जरिए गर्भवती महिलाओं को सक्रिय रहने का संदेश। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर में भक्तों ने इस साल चढ़ाया 3,432 ग्राम सोना, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चढ़ावा। गुजरात के नवसारी में बेटी की पढ़ाई के लिए दिव्यांग पिता किडनी बेचने को तैयार। गुजरात के वलसाड में करीब 40 गांव में पानी की भारी किल्लत, शिक्षकों के 1 किलोमीटर से पानी लाने का वीडियो। यूपी के बाइक बोट मामले में पुलिस का खुलासा, निवेशकों का 650 करोड़ हवाला के जरिए विदेश भेजा गया।
मोहाली में लगे सिद्धू के खिलाफ पोस्टर, पूछा कब छोड़ रहे हैं राजनीति। सिद्धू ने कहा था अमेठी से अगर राहुल हारते हैं तो वो राजनीति छोड़ेंगे। मुंबई से सटे वसई में बैग में मिला शव, युवक की पहचान नहीं हो पाई। एमपी के ग्वालियर में एनआरआई से 54 लाख की ठगी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। खदान में हिस्सेदारी देने के नाम पर जालसाजी। एमपी के धार में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक तीनों की हादसे में मौत नहीं, मर्डर किया गया था। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, सालाना रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 महीने बढ़ाई। विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से, लगातार जीत के बाद टीम इंडिया का हौसला बुलंद। महाराष्ट्र सरकार ने वानखेड़े स्टेडियम का लीज बढ़ाने के लिए पैसा मांगा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से 120 करोड़ रुपए मांगे गए। लखनऊ में फिल्म गुलाबों सिताबों की शूटिंग जारी, फिल्म में अमिताभ का लुक सामने आया।